हेलो गाइस, आज आपको दादी माँ एक महत्वपूर्ण दवाई के बारे में बताने जा रही हैं, जो कि मुंह में छाले हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए हम खाते हैं। ये देखिए आपके सामने ये पान है, जो जिसमें कत्था और नारियल के ग्रेटेड नारियल डाला हुआ है। साथ में हम छालों की ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी दवाई को डालते हैं, जिससे हमें एक हफ्ते के अंदर छालों में जो मुंह के छाले होते हैं उसमें हमें आराम मिलने लगता है। ये एक आयुर्वेदिक दवा है छालों की, जिसमें आप देख सकते हैं कि कत्था, अमलतास, शीतलजनी, सुहागा, मंजिष्ठा आदि कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इसमें मिली हुई हैं, जिससे हमें तुरंत छालों में आराम मिलता है। हम कई एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर लेते हैं तब भी हमें आराम नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम जो प्रकृति ने हमें चीजें दी हैं, जैसे कि पान का पत्ता है और उसमें कत्था और नारियल आदि मिला मिक्स करके, और ये जो दवाई है इसको छिड़क कर हम खाते हैं, तो हमें एक हफ्ते के अंदर ही फर्क महसूस होने लगता है। तो आप भी इस छाले की उपयोगी दवा का यूज करें और अपने मुंह के छालों को ठीक करें, क्योंकि छाले बहुत दर्द भरे होते हैं, मुंह में बहुत दर्द होता है, जिसके कारण हम तली भुनी या मसालेदार चीजों का सेवन नहीं कर पाते हैं, और ये छाले आगे चलकर मुंह का अल्सर बन जाते हैं और उसमें कैंसर पनपने लगता है। ऐसी भय वाली जो हमारी बीमारी है, जिसे हमारा जीवन नरक के समान हो जाता है, जो कि कैंसर है, अगर मुंह में हो जाए तो हमें कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए मुंह में अगर छाले हो रहे हैं तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। मुंह के छालों को कभी भी आप इग्नोर ना करें, तुरंत उसका उपयोगी ट्रीटमेंट जरूर कराएं और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से निजात पाएं। कई उपाय करने पर ये छाले ठीक नहीं होते और अपन कई तरह की दवाइयां खाते हैं मगर ठीक नहीं होती, बहुत ही लंबे हो जाते हैं और ये गंभीर रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए इनका तुरंत उपाय करना चाहिए। ये पान कोई पान की दुकानों पर भी ये पान में दवाई डालकर देते हैं, अपन उसको लेकर खा सकते हैं, दिन में 3 बार पान खा सकते हैं और इसकी दाल टप खा सकते हैं। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।